आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉमनली नोन एज स्टार्च और सुगर्स विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एंड एनिमल्स। लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टार्च या सुगर कह सकते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से मिलती है। ऑन ऑक्सीडेशन इन द बॉडी डे लिबरेट CO2 वाटर एंड एनर्जी। ऑक्सीडेशन होने पे बॉडी में क्या लिबरेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी सप्लाई करते हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ग्लूकोज। CNS जो हमारे ब्रेन में है होता है, उसका सबसे मेन एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। ग्लूकोज क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। लैक्टोज हैज़ सेवरल फंक्शन इन GIT। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच आर नेसेसरी फॉर दी सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो आपको हमने विटामिन्स के चैप्टर में विटामिन बी के, बी कॉम्प्लेक्स मीन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन्स आ जाएंगे, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। तो ये लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस ये हमारे GIT में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या करता है, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, तो उनकी ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। जो कि क्या, किस लिए ज़रूरी होते हैं बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया का क्या काम होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स होते हैं उनको उनको ये बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल फंक्शन है, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ दी बॉडी। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, हमें ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। मेनली क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और ग्लूकोज फिर कहाँ जाता है, डिफरेंट टिश्यूज तक जाता है, डिफरेंट टिश्यूज बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक जाता है, टू दी ब्लड। और फिर क्या होता है, सारे ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गन्स अपना फंक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं, हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन, इंसुलिन क्या, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बीटा सेल्स से। पैनक्रियाज में आइसलेट ऑफ स्लेंगरेंस होता है जिसमें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो बीटा सेल का क्या काम होता है, इंसुलिन को सिक्रेट करना, और उस इंसुलिन का क्या काम होता है, वो इंसुलिन क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो क्या डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके उस ग्लूकोज को डिफरेंट ऑर्गन्स तक कौन पहुँचाता है, ये इंसुलिन ही पहुँचाता है। फिर वो ऑर्गन्स को जब ग्लूकोज मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपना उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेज मीन्स स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एनिमल टिश्यूज कंटेन ग्लाइकोजन एंड बॉडी फ्लूइड्स कंटेन ग्लूकोज, बोथ ऑफ विच आर कार्बोहाइड्रेट। एनिमल टिश्यूज़ में क्या होता है, ग्लाइकोजन मिलता है, और उनके बॉडी फ्लूइड्स से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो ये एनिमल सोर्स है इसका। थ्री मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, थ्री मेन सोर्सेज जो है वो है स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। स्टार्च, स्टार्च से हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, राइस, चावल, वीट, रागी, पल्सेस, दाल, पोटैटोज, आलू, इन सब से क्या हमें मिलता है, स्टार्च। देन शुगर्स, शुगर्स क्या हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, अभी हम आगे बताएंगे डाइसेक्राइड क्या होता है। शुगर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज,
सेलुलोज कहाँ से मिलता है हमें? वेजिटेबल्स, सब्जियों से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, सीरियल से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम लेवलोज के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज? हमारा फ्रूट जूसेस में प्रेजेंट होता है, हनी, शहद में पाया जाता है। तो ये तो है हमारे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देन हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, उनके रिएक्शन के बेसिस पे। एंड लास्ट वन है बेस्ड ऑन द देयर, बेस्ड ऑन देयर टेस्ट, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसे फोर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स सिंगल, तो सिंगल यूनिट होती है इसमें शुगर की, आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इन्हें हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इंटू अ सिंपलर फॉर्म, ये खुद ही सिंपलर फॉर्म में होते हैं, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस से इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। तो इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में सिक्स कार्बन होते हैं, तो अगर हम एन की जगह सिक्स सिक्स कर दें तो H2n वहाँ पे 12 हो जाएगा, और O6 n फिर से 6 हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला ग्लूकोज का आप यहाँ पे बना सकते हैं C6H12O6, जो कि क्या है, मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड्स को भी बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, सब डिवाइडेड किया गया है, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टोजेस। तो इसमें भी हम कैसे बोलते, ट्रायोजेस तीन कार्बन होंगे, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रोजेस टेट्रा मीन्स चार, फोर कार्बन, पेंटोजेस फाइव कार्बन, पेंटा मीन्स फाइव, हेक्सोजेस हेक्सा मीन्स सिक्स, सिक्स कार्बन, हेप्टोजेस हेप्टा मीन्स सेवन, सो सेवन कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज को देखें तो वो किसका एग्जाम्पल है, हेक्सोजेस का, सिक्स कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, सिक्स कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको हम हेक्सोजेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एल्डो शुगर और कीटो शुगर डिपेंडिंग अपॉन दी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो फार्मूला है वो क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं एल्डो शुगर क्या होता है और कीटो शुगर क्या होता है। एल्डो शुगर एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और कीटो शुगर में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे कि देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है, सॉरी इसका केमिकल फार्मूला सेम है, C6H12O6 ग्लूकोज का भी है फार्मूला और फ्रक्टोज का भी है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, ग्लूकोज क्या है हमारा एल्डो शुगर है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और जो हमारा फ्रक्टोज है वो कीटो शुगर है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में CHO विच इज़ नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए हम ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डो शुगर। ऐसे ही फ्रक्टोज में CO, सेकेंड कार्बन पे देखिए CO ग्रुप, ये CO ग्रुप अटैच है, यानी कि कीटोन ग्रुप, CO ग्रुप को बोलते हैं कीटोन ग्रुप, इसीलिए हम किसे क्या बोलते हैं, कीटो शुगर। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर में। नेक्स्ट बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। डाई मीन्स टू, सेक्राइड मीन्स यूनिट, दो मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलके क्या बनाती हैं, डाइसेक्राइड। तो अगर हम डाइसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें दो मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलेंगी और H2O निकल जाएगा, दो मोनोसेक्राइड्स की यूनिट मिलेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सुक्रोज C12H22O11। इसको याद करने का, तो मोनो मीन्स सिंगल यूनिट होगी ए सेक्राइड की, सिंगल यूनिट होगी, डाइसेक्राइड में दो मोनोसेक्राइड की यूनिट होंगी, और वो दोनों मोनोसेक्राइड की यूनिट किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, वो जिस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं दो मोनोसेक्राइड की यूनिट, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे जैसे एक यूनिट मोनोसेक्राइड की यूनिट एक दूसरे से जुड़ती जाती है तो बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी है ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड में दो से लेकर आठ मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं। अगर आठ तक मोनोसेक्राइड यूनिट अटैच है या सिक्स मोनोसेक्राइड यूनिट भी है तो उन्हें भी ऑलिगोसेक्राइड सेक्राइड की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो जब हम इन ऑलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो से आठ मोनोसेक्राइड्स यूनिट हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज, स्टेकाइगोज, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ये सब क्या है? ऑलिगोसेक्राइड्स के ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन्स बहुत सारे यूनिट मोनोसेक्राइड की। तो ये क्या होंगे? आठ से लेके हजारों तक की यूनिट जितनी मोनोसेक्राइड की होंगी, इसमें आठ से लेके बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इस कैटेगरी में जो आएंगे वह होंगे पॉलीसेक्राइड। इनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आठ से लेकर से ज़्यादा भी हमें मोनोसेक्राइड्स की यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन। इनको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है पॉलीसेक्राइड्स को। एक है होमो पॉलीसेक्राइड्स और दूसरा है हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स। नाम से यहाँ भी आप कोरिलेट कर सकते हो। होमो मीन्स सेम सेम यूनिट्स होंगी मोनोसेक्राइड की, एंड हेट्रो पॉलीसेक्राइड डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग अलग यूनिट होंगी पॉलीसेक्राइड की। इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे कि अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज ही ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच है, मतलब एक ही मोनोसेक्राइड है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? होमो पॉलीसेक्राइड की यूनिट कैटेगरी में। और हेट्रो में सपोज करिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज अटैच है फ्रक्टोज से, ऐसे ही बहुत सारी माल्टोज भी उसमें अटैच है या फिर से फ्रक्टोज अटैच है, तो डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट हो गई। एक ही तरह की मोनोसेक्राइड यूनिट होमो पॉलीसेक्राइड और डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी? हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स की यूनिट में। यहाँ पे होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमो मीन्स सेम मोनोसेक्राइड यूनिट एंड हेट्रो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूनिट। तो होमो पॉलीसेक्राइड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलीमर्स ऑफ सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट। पॉलीमर्स ऑफ सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट आर नोन एज होमो पॉलीसेक्राइड। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ईटीसी। और हेट्रो पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है पॉलीमर ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट, फॉर एग्जाम्पल हिपैरिन, केराटिन, सल्फेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था हमारा बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। इसमें भी शॉर्ट में याद करेंगे, मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट होगी मोनोसेक्राइड की, शुगर की सिंगल यूनिट होगी, डाई दो, तो दो मोनोसेक्राइड की यूनिट होंगी, ऑलिगो ऑलिगो में दो से आठ यूनिट होंगी मोनोसेक्राइड की, एंड लास्ट है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड पॉली मीन्स बहुत सारे, तो बहुत सारी मोनोसेक्राइड की यूनिट एक दूसरे से अटैच होंगी। उसको भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, हेट्रो पॉलीसेक्राइड एंड होमो पॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स सेम सेम मोनोसेक्राइड्स की यूनिट मिलकर बनाएंगी होमो पॉलीसेक्राइड, एंड डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलकर बनाएंगी हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट हम बेसिस देखते हैं बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, उनके रिएक्शन के बेसिस पे क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के जब फैलिंग सॉल्यूशन से हम मेनली हम टेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को हम फैलिंग सॉल्यूशन से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो फैलिंग के तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन होता है। तो अगर ऐसा होता है तब वो जो कार्बोहाइड्रेट जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएगा? रिड्यूसिंग शुगर की। इफ फेलिंग सोल्यूशन इज रिड्यूस्ड एंड कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। अगर इसी का अपोजिट होता है, ऐसा नहीं होता है, फेलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो वो जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। फेलिंग सॉल्यूशन के अलावा अगर हम टॉलेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसका भी रिडक्शन नहीं होता है या रिडक्शन होता है, तो उसके बेसिस पे हम रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो था बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दो पार्ट में क्लासीफाई है, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर मीन्स मीठा होगा, थोड़ा सा स्वीट स्वीट टेस्ट होगा इसका, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम शुगर की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। नॉन शुगर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइस। राइस को क्या, अगर उस राइस का पाउडर बना के अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो स्वीट नहीं होता है, तो उसको हम नॉट स्वीट, इज नॉट स्वीट इन नेचर होगा।
तो इसको हम किस में कट रखेंगे, नॉन शुगर की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल है इसका जो राइस होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, तो इसे हम नॉन शुगर बोलते हैं। और शुगर जैसे कि नॉर्मल आप लाइफ में चीनी का देखो, चीनी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो उसे हम शुगर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्लास डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन क्यों बोला गया कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसे जिस कार्बन से डिफरेंट फोर ग्रुप अटैच होते हैं उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। तो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बोहाइड्रेट की, लाइक म्यूटा रोटेशन, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट मोर वीडियोज़।